हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स और ये हमारा आ गया है रेडमी 6। और पैकेजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, फ्लिपकार्ट से आया है, प्रोडक्ट टाइम पे आ गया बट पैकेजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस फ़ोन के हमें 8,000 रुपये पड़े हैं। ये रहा बिल और ये रहा फ़ोन। फ़ोन अंदर से ठीक है, डैमेज बिल्कुल ही नहीं हुआ है, फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है। आगे में रेडमी 6 की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको, साथ ही साथ पीछे में आपको कुछ इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन लिखे हुए मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी बहुत कुछ है। जैसे कि गोल्ड है, 3 GB 32 GB वाला वेरियंट है, डुअल सिम डुअल स्टैंड बाय है, इसके अंदर आपको ये क्या बोलते हैं जियो की सिम काम कर जाएगी, ऑक्टा कोर 2.0 है और मीडिया टेक का प्रोसेसर है। ठीक है, याद रखना मीडिया टेक का प्रोसेसर है, मैं पहले बता दूं, अच्छा है, देखते हैं, मेड इन इंडिया का टैग लगा हुआ है। ओके, तो फाइनली पैकेट जो है फट गया और यहाँ पर कुछ इस तरह से निकल गया। और यहाँ पर एक और सील आपको देखने को मिल जाती है, सील आप ध्यान में रखो, बिना सील के मत लेना। ठीक है, इस सील को भी मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, तो ओपन कर लेते हैं जल्दी से। और ये ओपन ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे फोन मिल जाता है रेडमी 6। इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। तो कुछ यूजर गाइड्स और गारंटी वगैरह जो भी है। एक डेटा केबल आपको मिल जाती है, ये डेटा केबल आपको यहाँ पर जो है क्विक चार्ज फास्ट चार्ज वाली सपोर्ट तो नहीं देने वाली है, सिंपल सी डेटा केबल है जो हमेशा रहती है, यूएसबी 2.0 की सपोर्ट देगी बस। और साथ में एक सिम इजेक्टर टूल हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक हमें अडेप्टर यहाँ देखने को मिल जाता है, अडेप्टर छोटा सा है और मैंने किसी की वीडियो में देखा था व्हाइट कलर का अडेप्टर, खैर छोड़ो, अच्छा है, मुझे व्हाइट वाला पसंद नहीं आ रहा था। अडेप्टर पे जो इसकी पावर लिखी हुई है और वो है 0.2 एम्पेयर का सपोर्ट देगा ये, 0.2 एम्पेयर, ज्यादा फास्ट अडेप्टर नहीं है क्या? ठीक है, मैं इस पर डिटेल टेस्ट करके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो है ना यहाँ पे टेस्टर है, मैं बता सकता हूँ कि कितना अडेप्टर जो है कैपेसिटी अडेप्टर की है और कितना फोन चार्ज लेता है। इसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता है, तो सब चीजें साइड कर लेते हैं और फोन को आगे लाते हैं। तो ये है फोन, फोन जो है 5 इंच से थोड़ा बड़ा है, अगर आसान भाषा में मैं कहूँ तो उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। आगे में देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें लिखी हुई है, जैसे कि हीलियो P22 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर और 5.45 इंच की डिस्प्ले, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो, फुल स्क्रीन फोन है और रेडमी 6 देखने को मिल जाता है। फोन की अगर मैं बात करूं तो राइट साइड, फोन की राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन मिल जाता है, उसके बाद सॉरी पावर बटन मिल जाता है, उसके बाद वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन मिल जाती है। ठीक है, फोन के दूसरे साइड में आपको सिम कार्ड की एक डेडिकेटेड स्लॉट और एक सिम कार्ड प्लस एसडी कार्ड वाली स्लॉट देखने को मिल जाती है, दोनों ही आपके सिम इजेक्टर टूल से खुलेगा और मैं यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। ओके, तो ये छोटी वाली है, ये छोटी वाली है जिसमें सिर्फ एक सिम लगेगा और इसमें एक सिम प्लस एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड का आपको स्लॉट मिल जाता है। ये काफी अच्छा है, इन्होंने सही चीज किया है और मैं इससे खुश हूं। ऊपर के साइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये शायद एक्सटर्नल माइक है या फिर आयर ब्लास्टर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 3.5 mm का जैक ऊपर साइड में है, ये ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। नीचे साइड में आपको इसका सेकेंडरी माइक और साथ ही साथ चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और कमाल की बात, स्पीकर कहां गया तो मैं दिखाता हूं स्पीकर कहां है। स्पीकर इसमें यहाँ पीछे की ओर दिया गया है यहाँ पर, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बात करते हैं फोन के बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको जो है नीचे में स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, उसके ऊपर आपको डुअल कैमरा सेटअप और एक फ्लैश लाइट मिल जाती है और साथ ही साथ कुछ नहीं मिलता है। फोन के फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट साइड में आपको ऊपर एक फ्रंट कैमरा और एक और सेंसर है या फ्लैश लाइट है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, वो मिल जाता है, ऑन करने के बाद कंफर्म हो जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद रेडमी 6 और नीचे में आपको कोई भी बटन नहीं, नीचे में खाली मिल जाती है पूरी स्क्रीन देखने को। फोन को हमने फर्स्ट बूट कर लिया है और ये आगे में एक स्टीकर लगा हुआ है, इस स्टीकर को मैं यहां से हटा देता हूं। ओके वेट, ओके ये स्टीकर हट गया और अब जो है डायरेक्ट फोन आपके साथ है, सामने है और कुछ सेकंड्स लगेंगे, तो मैं ये स्टेप स्किप कर देता हूं और फोन को ऑन करने के बाद आगे दिखाता हूं। ओके, तो फोन के अंदर जो है प्री इंस्टॉल्ड आपको MIUI 9 देखने को मिल जाता है लाइटनिंग फास्ट के साथ। और यहां पे आपको अपना लैंग्वेज वगैरह चूज करना होगा, इंग्लिश इंडिया और रीजन के अंदर भी आपको अपना इंडिया डालना होगा, अगर आप कहीं और से हैं तो आप वहां का डाल सकते हैं, वैसे मुझे नहीं पता, मेरी वीडियो इंडिया के बाहर नहीं चलती है। और चलो इंडिया नेक्स्ट, और फर्स्ट सेटअप होने में कुछ टाइम्स लगते हैं, 2-4 मिनट के अंदर में जो है ये फर्स्ट सेटअप हो जाएगा और फोन जो है यूजेबल हो जाएगा। फिलहाल इसके लिए अभी आपको MIUI 10 का कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ बीटा अपडेट आया है जो कि मैं करके दिखाऊंगा आगे इस अपडेट में, और बीटा और नॉर्मल के बीच में जो फर्क है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
ओके तो सारी चीजें कंटिन्यू, आई एग्री कर लेते हैं। फिलहाल मैंने इसमें भी कोई सिम नहीं डाला है, इसको किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया है। फिंगरप्रिंट यहाँ पे मिल जाता है देखने को, तो मैं यहाँ पे पिन यूज करूंगा मेरा फेवरेट वाला। मेरा फेवरेट पिन पता है क्या? 1947 एक्चुअली याद नहीं रहता इसलिए मैंने सिंपल रखा है 1940। अरे भाई 47 कंटिन्यू, दोबारा से 1947 कंटिन्यू। ओके तो पिन सेटअप हो गया है और अब फिंगरप्रिंट सेटअप करना है। तो फिंगरप्रिंट 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 कुछ सेकंड्स लगते हैं, 15-20 बार दबाना पड़ता है। फिंगरप्रिंट भी हमारा जो है सेट हो गया और फोन जो है ऑन होने के लिए तैयार है। अब सेटअप कंटिन्यू, लोडिंग एप्स होगा और फोन जो है ऑन हो जाएगा यूज करने के लायक। ओके गाइस तो फोन जो है ऑन हो गया है फाइनली, और ये इसका फ्रंट स्क्रीन है। फ्रंट स्क्रीन के बाद बिल्कुल जो MIUI 9 का सेटअप होता है वही इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी नया नहीं समझ में आएगा। रोम जो है हमें कितनी मिल जाती है, रैम मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ रोम इनेबल नहीं किया हुआ है, इसको इनेबल करने के लिए स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ सेटिंग में जाना है और यहाँ देखो ऑप्शन होगा मोर का और इसके अंदर ऑप्शन होगा शो मेमोरी स्टेटस का। इसे इनेबल कर देने के बाद आप देख सकते हैं फोन की रोम को यानी रैम को। ओके तो यहाँ पर हमें दिख गया, रुक जाओ, हाँ तो यहाँ पे जो हमें 3 GB में से 1.8 GB यूज करने के लिए रैम मिल जाती है। ओके शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो रुको मैं उठा के दिखाता हूँ। अब तो दिख गया, हाँ तो ये मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा पूरा MIUI का सेटअप है, कुछ भी नया नहीं है। वैसे मैं इसकी डिटेल वीडियो लाऊंगा, आप बता सकते हो आपको कैसी वीडियो चाहिए। और एक कैमरा सैंपल हम लेते हैं, तो कैमरा यहाँ पर जो है फर्स्ट लुक में मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा। कैमरा में और ये अलाओ, ओके तो देखो भाई फोटो जो है वो ठीक ठाक ही आई है, ना बहुत अच्छी आई है ना बहुत खराब आई है। फ्रंट कैमरा की फोटो एक देख लेते हैं, तो फ्रंट कैमरा में यहाँ पे मुझे कुछ कमी लगी फोटो में, वो क्वालिटी नहीं है, और वो क्वालिटी नहीं है मतलब 3S प्राइम के लेवल का है, उतना भी ज्यादा ना अच्छा ना कम अच्छा, ठीक है। तो ऑल एन एवरेज दाम के हिसाब से Redmi 5A से कंपेयर करो तो वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है। फ्रंट में पोर्ट्रेट भी मिल जाता है, चलो ये बढ़िया चीज है। ओके पोर्ट्रेट में भी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड सही ब्लर हो रहा है, ठीक है, कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद रेयर में भी हमें पोर्ट्रेट मिल जाता है, तो रेयर का पोर्ट्रेट जो है वो भी ठीक है। एक्चुअली जो प्री इंस्टॉल्ड रोम होता है ना सबसे पहला वाला, वो कंपनी अच्छा देती है। देखो फोटो हाँ ठीक ही है ना, बैकग्राउंड उतना बढ़िया ब्लर नहीं किया है, बट एजेस जो है वो सही लग रहे हैं मुझे। और डिटेल रिव्यू आएगी, तो अभी इस वीडियो को देख करके फोन खरीदने की जरूरत नहीं है, ये बस आपके फोन की एक फर्स्ट लुक है, मतलब हमारे फोन की आपकी फोन की एक ही बात है। तो मेमोरी के अंदर चलते हैं यहाँ अबाउट में, तो Redmi 6 आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, Android 8.1 ओरियो के साथ मिल जाता है आपको, MIUI 9610 इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, ओरियो का अपडेट है, ऑक्टा कोर का CPU है और मैक्सिमम 2 GHz तक जाएगा, 3 GB की रैम है और इंटरनल स्टोरेज हमें 32 GB में से 23.87 GB हमें यूज करने को मिल जाती है। इस वीडियो में उतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए।